हम है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर दिया जाता है और उसके बाद उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में बर्बरता और रेप के साथ हत्या मामले को लेकर अब लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरीके से हत्या की गई, इसके बाद जो सहयोगी डॉक्टर्स हैं और तमाम लोग हैं वो सड़कों पर आकर न्याय की मांग ट्रेनी डॉक्टर के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन ममता सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक शख्स को अभी तक आरोपों में पकड़ा गया है, उससे पूछताछ हो रही है, तो वहीं इस मामले को दबाने के आरोप ममता सरकार पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम ममता है, लेकिन उनके अंदर कितनी ममता बची है, यह सवाल अब बंगाल की जनता पूछ रही है। क्योंकि पहले संदेश खाली और अब कोलकाता में हुई घटना को लेकर पुलिस जिस धर्रे पर चल रही है, उससे सीधा ममता बनर्जी सवालों में घिर गई है। संदेश खाली में पूरे देश ने देखा कि कैसे एक अपराधी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा था। अब ऐसा ही हाल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में दिख रहा है। इस बार संदेश खाली नहीं बल्कि आरजीकर अस्पताल है। अस्पताल के बाहर क्या कभी आपने इतनी फोर्स देखी है? इमरजेंसी के ठीक नीचे लिखा हुआ है, वी वांट जस्टिस, नो मर्सी टू रेपिस्ट। क्योंकि इसी इमरजेंसी के अंदर जब जाएंगे और तीसरे फ्लोर पर पहुंचेंगे तो एक सेमिनार हॉल पड़ता है। उसी सेमिनार हॉल के भीतर एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर दिया जाता है और उसके बाद उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। आरजीकर अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को पहले तो छिपाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन जब मामला नहीं दबा तो एक आरोपी को गिरफ्तार कर वाहवाही लूटी जा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ एक अपराधी अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है? क्योंकि सिर्फ मीडिया ही नहीं, बंगाल की जनता और ट्रेनी डॉक्टर भी पुलिस की इस थ्योरी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर थी, जिसे ट्रेनी डॉक्टर भी कहा जाता है, पढ़ाई भी कर रही थी, साथ ही अपनी सुविधाएं भी इस अस्पताल में दे रही थी। उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया है ममता बनर्जी के प्रशासन ने, क्योंकि सुरक्षित माहौल नहीं है। अगर सुरक्षित माहौल होता तो इस अस्पताल में किसी भी अस्थायी कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी हिमाकत नहीं होती कि एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी करे, उसे सेक्सुअली अब्यूज करे और फिर उसे मौत की घाट उतार दे। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी वारदात के बाद रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से अस्पताल का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पुलिस की थ्योरी मानने से इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी गुनहगारों को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर महिलाओं के लिए अलग से सिक्योरिटी बढ़ाने की भी मांग हो रही है। कोलकाता में महिला रेजिडेंट के साथ ऐसी जघन्य घटना को लेकर आईएमए सहित तमाम संगठन नाराज हैं। आईएमए ने पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आईएमए के डॉक्टर्स ने इस घटना को निर्भया कांड से जोड़ते हुए बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। पिछले दिनों कुछ दिनों वहाँ के वरिष्ठ एक पदाधिकारी थे शाहजहा शेख जी, उनके कारण भी उत्पीड़न हुआ महिला का। वहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टेमिक फेलियर है, उस सिस्टम को दुरुस्त करना होगा या उनकी लॉ एंड ऑर्डर उनके से संभल नहीं रहा है। मुझे लगा केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आईएमए के अलावा फेमा डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी मामले को संवेदनशील बताया है। उन्होंने बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फेमा के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है।
अस्पताल के अंदर सेमिनार रूम में घुस करके उसके साथ ये दुष्कर्म होता है और इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है अस्पताल के प्रशासन के तरफ से। इसमें निर्भया 2 का एक पार्ट लिया गया है। हमने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा है तो हमारे आत्मा झंझोर गई है और हमें वहाँ की राज्य सरकार पर निष्पक्षता के रूप में जाँच करने के लिए हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हमने कहा है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। कोलकाता के अस्पताल में हुई इस जघन्य वारदात को लेकर ममता सरकार के रवैये से लोगों में आक्रोश है। यही वजह है कि जनता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक महिला की रेप के बाद हत्या करना सिर्फ एक शख्स के बस की बात है, वो भी अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में। सवाल ये भी कि क्या कोलकाता पुलिस जानबूझकर मामले में लीपापोती कर रही है। आखिर क्यों ममता सरकार इस मामले पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आप देख रहे थे और इस बीच प्रियंका हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। प्रियंका, तस्वीरें दिखाइएगा, वहां जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, लोग जो विरोध कर रहे हैं उनसे बात भी कीजिएगा कि क्या उनका कहना है, वहां पर क्या हालात अब देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रिपब्लिक भारत के दर्शकों को हम दिखाएंगे, यहाँ पर जितने ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और वो देखिए इमरजेंसी का गेट, वो देखिए अस्पताल का गेट, पूरी तरीके से OPD की सेवा हो या फिर इलेक्टिव सर्जरी हो या फिर लैब की सर्विसेज हो, सब कुछ बंद हो चुकी है। संतोष दिखाइए, यहाँ दिखाइए, देखिए सारी सर्विसेज बंद हो चुकी है और इनका कहना है कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है दरअसल उसकी आड़ में कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है और इन्हीं प्रदर्शनकारी डॉक्टर से हम बात करेंगे। आइए संतोष, इधर दिखाइए, ये माना जा रहा है, देखिए रिपब्लिक भारत इस बात का दावा नहीं करता है लेकिन एक थ्योरी ये सामने आ रही है कि 3 लोगों ने मिलकर उस लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और फिर उसके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और वो 3 डॉक्टर फरार हो गए। जिसको गिरफ्तार किया है उसका कोई आरोप ही नहीं है, उसका कोई दोष ही नहीं है। इसी को लेकर ये लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पोस्टर बैनर ले लिए हैं, राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का यहाँ पर ऐलान किया गया है। संतोष आइए इधर, देखिए हम बात करेंगे, आपका नाम क्या है? अंकना पॉल। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग है जो यहाँ पर डॉक्टर जो थी वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, वो एक PGD डॉक्टर थी, वो अपने ड्यूटी कर रही थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस काइंड ऑफ टाउन सिटी में कैसे ऐसे ब्रूटली रेप हो सकती है और मर्डर हो सकती है और अथॉरिटी बोल रही है कि लेडी डॉक्टर वो वहाँ उस टाइम पे क्यों गई? क्या आपको लगता है कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसकी आड़ में कुछ छिपाया जा रहा है? बिल्कुल छिपाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये आरोपी को पकड़ा गया है ये बिल्कुल ही जो स्केप गोट का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर फैलाया गया है कि किसी एक इंसान को पकड़ के बोल दिया जा रहा है क्योंकि जाते गवर्नमेंट को हम क्वेश्चन न करें, गवर्नमेंट अपना जो है जिम्मेदारी और जो कुछ भी जो वो झाड़ सके और ये केस जल्दी से सॉल्व हो जाए। आपको जिसको गिरफ्तार किया उसे बलि का बकरा बनाया जाए? एकदम बलि। और लोगों से हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे और भी प्रदर्शनकारी हैं, आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, क्या मांग है आपकी, नाराजगी किस बात पर है? देखिए वी आर डिमांडिंग द क्रिस्टल क्लियर इन्वेस्टिगेशन एंड दैट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन अंडर प्रॉपर jurisdiction and the culprit should be। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है फिर नाराजगी किस बात? आरोपी अगर वो ही है जो PM का रिपोर्ट, प्रोविशनल जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें जो जो इंजरी और जो जो मार्क्स जो भी हम लोग को दिखा गया है। आप लोग बार बार बी वॉन्ट जस्टिस की मांग कर रहे हैं, कब तक धरने पर बैठेंगे? जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस के रूप में आपको क्या चाहिए? आरोपी गिरफ्तार हो गया है, SIT का गठन हो गया है। हमारा जो 4 डिमांड है वो डिमांड अगर फुलफिल हो जाए। 4 डिमांड बताइए। एक डिमांड तो ये है जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड जो दोषी है उसको प्रॉपर शास्ति मिले और प्रिंसिपल जो अथॉरिटी हायर अथॉरिटी है उसका रेजिग्नेशन चाहिए और जो इन्वेस्टिगेशन है उसका प्रोग्रेस हमको चाहिए, हमको रिपोर्ट चाहिए ये ठीक ठाक। जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर से भी बातचीत कर रही हैं और डॉक्टर अपनी मांग भी बता रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं, आखिर जब तक बड़ा एक्शन नहीं होगा वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद जानकारी के लिए।